एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और मैं फिर से आ गई एक न्यू ब्लॉग के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग द ब्लॉग, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग मी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जैसा कि आप सब समझ ही चुके होंगे, आज का ब्लॉग है डे आउट ब्लॉग। धर्म का आउटिंग डे है तो हम उसको घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मॉल, देहरादून का फेमस मॉल है पैसिफिक मॉल, हम वहीं जा रहे हैं। हमारे घर से थोड़ा दूर है ये, अराउंड 45 मिनट्स लगते हैं। मसूरी रोड पर लोकेटेड है ये, तो पहुँचने में अराउंड ट्रैफिक अगर ज़्यादा हो तो 45 मिनट्स लग जाते हैं। मसूरी डाइवर्जन से पहले पड़ता है ये मॉल, अगर आप देहरादून से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे इसके बारे में। और ये है मसूरी रोड जहाँ पर ये मॉल लोकेटेड है। हम लोग अराउंड लगभग पहुँच चुके हैं और ये है इसका एंट्रेंस मॉल का, और हम जा रहे हैं अंदर। और मैंने क्या क्या शॉपिंग की वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, तो वॉच द वीडियो टिल एंड। कुछ विंटर शॉपिंग की है मैंने, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और अधर बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी बच्चों की आउटिंग होती है तो वो काफ़ी एक्साइटेड तो होते ही हैं, और अपने पापा के साथ तो आजकल काफ़ी इंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है वो। काफ़ी टाइम बाद मिला है पापा से वो। और ये हम फूड कोर्ट में बैठे हुए थे और वो काफ़ी हैरानगी से सब कुछ देख रहा था, उसको सब कुछ नया नया लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि हम अभी ज़्यादा कहीं बाहर निकले नहीं थे। अब थोड़ा थोड़ा जाना शुरू किया है तो अधर काफ़ी एक्साइटेड रहता है जब भी हम कभी कहीं बाहर लेकर जाते हैं उसको, क्योंकि जब अधर वन ईयर कम्प्लीट ही किया था तब से कंटिन्यू लॉकडाउन ही चल रहा था, बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा बाहर कहीं लेकर जाते भी नहीं थे जब तक बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ना हो। तो अब जब थोड़ा सा नॉर्मल सा फील हो रहा है, वैक्सीनेशन भी कम्प्लीट हो गया है, तो अब हम उसको थोड़ा थोड़ा आउटिंग पर लेकर जाते हैं बीच बीच में, और वो काफ़ी खुश होता है। और ये है सबके फेवरेट, आई थिंक सभी को कोई ही होगा जिसको ये पसंद ना हो गोलगप्पे। और बाहर निकल के गोलगप्पे ना खाऊं मैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अधर को डोनट्स का बहुत शौक है, उसको डोनट्स बहुत पसंद है, तो हम उसको डंकिन डोनट्स पर भी लेकर गए थे। वहाँ से उसके लिए कुछ डोनट्स पैक कराए थे, घर पर आकर उसने एंजॉय किए थे वो, और वो खुद ही सेलेक्ट कर रहा था कि उसको कौन सा डोनट चाहिए। और काफ़ी घूमने फिरने के बाद अब हो चुका है टाइम घर वापस जाने का, और हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ विंटर वियर शॉपिंग की है, ये है मैक्स का येलो स्वेट शर्ट, इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, विंटर वियर पर्पज से काफ़ी अच्छा है, ये फुल स्लीव स्वेट शर्ट है ये। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको शो कर रही हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, ठीक है, और विंटर वियर पर्पस एकदम परफेक्ट, आप इसको घर या बाहर इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये है अनदर मैक्स स्वेट शर्ट, ये भी मैक्स से लिया गया है ये, और ये भी काफ़ी अच्छा स्वेट शर्ट है ये, इसका फैब्रिक भी अच्छा है, इजीली आप घर में या बाहर आराम से कैरी कर सकते हैं इसको, इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ग्रे एंड मल्टी कलर टी शर्ट, ये पूरा ग्रे और मल्टी कलर इसका स्लीव्स है, और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, वो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं।
आप इसको घर या बाहर आराम से कैरी कर सकते हैं इंटरव्यू पर्पज से, एकदम ठीक है। ये स्वेटशर्ट का फैब्रिक भी अच्छा है। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ग्रे कलर का जॉगर, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, ये निटेड है ये जॉगर जो है, और विंटर वियर पर्पज़ से एकदम परफेक्ट है। आप इसको समर्स में भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मियों के पर्पज़ से नहीं है, ये विंटर वियर पर्पज़ से एकदम परफेक्ट है ये। और इसका पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आपको ट्राई आउट में लुक क्लियर हो रहा होगा इसका। और ये अनदर जॉगर है ये ग्रीन कलर का, और इसका फैब्रिक भी निटेड फैब्रिक में है ये, और विंटर वियर पर्पज़ से एकदम अच्छा है ये। बहुत ज़्यादा गर्मियों में तो इसको कैरी नहीं कर सकते, लेकिन विंटर वियर पर्पज़ से बहुत अच्छा है ये जॉगर। और लुक इसका आगे आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से लगेगा पहन के। नेक्स्ट मैंने लिया है ये जिंजर से और ये ट्रैगिंग्स, ये ब्लैक कलर का ट्रैगिंग्स है। इसके साइड में कुछ इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है, और ये बोथ साइड जिपर है इसमें आगे पॉकेट, और ये जिंजर ब्रांड का है ये, और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। आप इसको कुर्ती के साथ, स्वेटशर्ट्स के साथ, टी शर्ट के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का आउटिंग ब्लॉग और शॉपिंग हॉल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।